हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंजू और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ये सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल, जिसे मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्रिएट किया है। इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, कोई भी फॉल्सेस यूज़ नहीं की, और आप देख सकते हो कि मेकअप में कितना ज़्यादा ग्लो है, आई मेकअप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बिगनर फ्रेंडली मेकअप है, तो चलिए देख लेते हैं इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है। मैंने अपने फेस पर फेस वॉश किया था, टोनर किया था, फिर मैं मॉइस्चराइज अप्लाई कर रही हूँ। उसके लिए मैंने निविया की सॉफ्ट क्रीम ली है और उसको मैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर के लिए मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है, बहुत अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस प्राइमर है और साथ के साथ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइमर है। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूंगी और इसके लिए मैंने मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल ली है। इसमें मेरा शेड है 02 और इसमें मेरा शेड है डार्क ब्राउन, उससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। और कंसीलर की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ के एजेस जो बन गए थे उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ और साथ के साथ मैं अपने आईलिड को भी प्राइम कर रही हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर लेकर सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अभी मैं फेस पे कलर करेक्ट कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है तो ये वाला स्टेप को आपको टोटली स्किप कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन है, तो मुझे कलर करेक्टर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है। अभी मैं पॉन्ड्स बेबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और इसमें मेरे शेड है 02 मीडियम और इसको मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका मैक्सिमम कवरेज चाहिए है। अगर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, उससे एकदम नेचुरल फिनिश और शेयर कवरेज आपको मिलेगा, बट मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए है इसीलिए मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी और इसके लिए मैंने मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर लिया इन द शेड कैरेमल और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्विस ब्यूटी का कंसीलर भी मिला लिया है क्योंकि कैरेमल कंसीलर जो है वो एकदम मेरे स्किन टोन से मैच करता है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये वाला कंसीलर, लाइट शेड का कंसीलर मिला है कि हल्का सा थोड़ा सा एक हाईलाइट का कंसीलर का काम करे। और अभी कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर लिया, इसमें मेरा शेड है 25 मीडियम। अभी फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज करेंगे हम। फेस को कॉन्टोर या ब्रॉन्ज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से पैलेट लेना है, अगर आपके आई शेडो पैलेट में डार्क ब्राउन शेड है तो आप उससे भी फेस को कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं और ब्रॉन्ज भी कर सकते हैं। अभी मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, इसके लिए मैंने मार्स का ब्लश लिया, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड और अफोर्डेबल ब्लश है ये। हाईलाइट के लिए भी अगेन मैंने मार्स का हाइलाइटर पैलेट लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत सारे कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, 6 कलर्स आपको मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी डील है। आप अगर चाहें इसे परचेज़ करना तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाईलाइटर पैलेट है। अभी अपने यूजुअल प्लेस को मैं अपने हाईलाइट कर रही हूँ। बेस मेकअप मेरा हो चुका है, अभी मैं आई मेकअप करूँगी। इसके लिए मैंने SQ की काजल ली है ब्लैक कलर में और उस पर मैं वाटर लाइन पर मैं अप्लाई कर रही हूँ और टाइट लाइन भी कर रही हूँ और अभी मैं एज ए आई लाइनर की तरह इसे ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद एक ब्रश लेकर मैं इसको अच्छे से स्मज कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मोटा अप्लाई नहीं करना है और जब भी आप स्मज करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर नहीं जाना है, जस्ट आपको उसके नीचे ही रहना है और इसको अच्छे से स्मज करना है। एक ब्रश लेकर अच्छे से मैं इसको स्मज कर लूँगी ब्राउन कलर के साथ और ब्राउन कलर को मैंने ब्लैक कलर जो मैंने लगाया था उसके ऊपर भी लगाऊंगी और क्रीज लाइन तक मैं इसको लेकर जाऊंगी। देन एक क्लीन ब्रश लेकर मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि कोई हार्श लाइन वगैरह ना रहे। अभी एक स्मॉल ब्रश लेकर ब्लैक कलर के आई शेडो को मैं एज ए आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे जेल आई लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे थोड़ा सा स्मोकी लुक चाहिए है इसीलिए मैंने आई शेडो लिया है और उसको मैं कनेक्ट कर लूँगी, जो मैंने काजल लगाया था उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर लूँगी और काजल के ऊपर भी मैं लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा पिगमेंटेशन मिले और जो जो कलर मैंने आईज के ऊपर लगाए थे वही कलर को मैं नीचे भी अप्लाई करूँगी। देन मैं अपने आईलैश को थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी। इसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा के लिए मैंने लेस सेंसेशनल मस्कारा लिया है
बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आपके लैशेस को बहुत वॉल्यूम भी देगा, लेंथ भी देगा, वाटरप्रूफ मस्कारा है। अगर आप अच्छा मस्कारा ढूंढ रहे हैं तो इस मस्कारे को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अभी सेटिंग स्प्रे लेकर मैंने फेस को सेट कर लिया है, लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक के लिए मैंने SQ की मिनी लिपस्टिक ली है, आई वेकअप लाइक दिस। तो ये था मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आपको पसंद आए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।